नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे धनिया और पुदीने की चटनी। बहुत धनिया बहुत पुदीना बाजार में आया हुआ है और गर्मियों में जो है ये बहुत ही बढ़िया लगती है चटनी। चाहे आप इसे पराठे के साथ खाएं, चाहे दाल चावल के साथ खाएं, चाट चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी। चाहे आप इसको सैंडविच में भी लगाकर खाइए, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। ईजिली बन जाती है, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ जो है ये चटनी को बनाया जा सकता है और बहुत ही आसान है बनानी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। बहुत मेहनत करके आपके वीडियो लेकर आती हूँ, एक लाइक का बटन तो बनता है। तो लाइक का बटन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो जरूर दबाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रोज के रोज मेरे न्यू वीडियोस देखने के लिए जाइए आप यूट्यूब में, वहाँ पे लिखिए, टाइप करिए कुकिंग विद शालिनी, सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा उसको क्लिक कीजिए, इस तरह से दबाइए। साथ ही बेल आइकन है, घंटा दबाइए इस तरह से और ऑल को क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और रोज के रोज आपको जो है मेरी नई से नई वीडियोस देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो जाइए फेसबुक पे कुकिंग विद शालिनी टाइप कीजिए और इस तरह से फॉलो कीजिए और साथ में आपको मेरी जो है रेसिपीज देखने को मिलेगी, रील्स देखने को मिलेंगी, लेटेस्ट वीडियोज जो है जितनी भी सब आपको जो है यहाँ पर देखने मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है मिक्सी का जार और इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, ये बिल्कुल हरा हरा धनिया और फ्रेश धनिया मैंने लिया है। तो दो बंच जो है, एक बंच में धनिया की डाल रही हूँ और देखा जाए तो ये दो मुट्ठी यानी कि एक कप के करीब जो है धनिया है। आप देख सकते हो ये जो डंठल है ये भी हम इसमें डालेंगे थोड़े मोटे वाले, क्योंकि इसमें जो है मेन बढ़िया सा स्वाद होता है। अच्छे से इसको हमने वॉश कर लेना, फिर ही हम इसको जो है मिक्सी के जार में ऐड, जितना भी धनिया डालें उससे आधा जो है हम पुदीना डालेंगे यानी कि मिंट लीव्स। तो आधा कप, अगर हमने एक कप धनिया डाला तो आधा कप हम पुदीना डाल। इसके साथ ही जाएगा इसमें लहसुन, तो चार फ्लेक्स जो है इसमें लहसुन के डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी छह हरी मिर्चें। तो आप अपने स्वाद के अनुसार जो है हरी मिर्चें ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा आप हरी मिर्चों को कर सकते हो। तो इसके साथ ही जाएगा इसमें अदरक, तो दो छोटे टुकड़े जो है मैं इस तरह से अदरक के डाल दूंगी, इससे भी स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और अब जाएंगे इसके अंदर कुछ मसाले, तो मसालों में सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। तो नमक मैं इसमें 3/4 स्पून जो है नमक का डाल रही हूँ, यानी कि एक चम्मच से थोड़ा कम, और जाएगा इसमें आधा चम्मच के करीब जीरे का पाउडर। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम सेव, बाजार में जो सेव मिलते हैं बड़ी आसानी से जो है मिल जाते हैं, और इससे जो है आप देखोगे कि इसकी थिकनेस आएगी चटनी में, स्वाद बढ़ेगा, कलर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल बाजार जैसा कलर आने वाला है। तो 5 से 6 चम्मच जो है हम इसमें सेव के डाल देंगे, यानी कि देखा जाए तो 1/4 कप जो है हम इसमें सेव का डालेंगे। इसके साथ ही इसका और ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए जाएगा इसके अंदर काला नमक। काला नमक बहुत ही ज़रूरी है, ये चटनी का स्वाद जो है बहुत इंक्रीज करेगा। तो मैं जो है इसमें आधा चम्मच के करीब काला नमक डाल दूँगा। अब जाएगा इसके अंदर नींबू का रस, तो एक चम्मच जो है हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हो, इमली डाल सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो घर में वो डाल दीजिए। नींबू के रस से स्वाद बहुत बढ़िया आता है, लेकिन मैं नींबू के रस के साथ साथ मैं जो है इसमें इमली भी डालूंगी। इमली को थोड़ा सा मैंने भिगो कर रख दिया था और सीडलेस जो है ये इमली है, तो मैंने जो है ये एक चम्मच इस तरह से मैं इमली डाल दूंगी। बहुत ही बढ़िया जो है इससे टेस्ट आता है। इसके साथ ही जाएगा इसमें ठंडा पानी, तो 3-4 चम्मच जो है मैंने इसमें ठंडे पानी के डाल दिए और इसके साथ ही मैं इसमें 4-5 टुकड़ियाँ जो है बर्फ़ के डाल दूँगी। तो अच्छे से हमने जो है इसको ग्राइंड कर लेना। तो चटनी को मैंने पीस दिया, चेक कर लेते हैं। इसके अंदर जो है मैंने आधा कप के करीब पानी और डाला था, तो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से ये पीस चुकी हुई है। ये देखिए मैं आपको पास्ता कोई भी बोल में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे और आप देख सकते हो कि चटनी कितनी बढ़िया, इसका कलर कितना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जो है ये चटनी बनकर तैयार होती है। ये देखिए लग रही है ना बढ़िया। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप भी इसको बनाकर जो है रेडी कर सकते हो, मिनटों में ये बन जाती है। और इसे ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।